नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेशा वानखेड़े। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि यह आयोजन आज से शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड़यन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। और ये उत्सव 3 तारीख से 10 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 1 वीक तक ये उत्सव आयोजित किया जाएगा। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस उत्सव में और क्या कुछ खास है। वर्तमान में मेरी गौशाला पुरानी है, लेकिन उसको हम चला रहे हैं। यहाँ हमने अपनी गौशाला के बेस पे यहाँ किसानों को जोड़कर अपने साथ में एक समूह बनाया है, श्रीनाथ निर्मल राधा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिससे अभी वर्तमान में हमारे 311 किसान जुड़े हुए हैं और 2500 हेक्टेयर लैंड है हमारा। और वर्तमान में हम अपने किसानों के साथ मिलकर रागी, कोदो, बाजरा, जो हमारे यहाँ मुख्य फसल है, बाजरा, कोदो, रागी, इन पे अभी हम लोग काम करके प्रोडक्टों को तैयार करते हैं। विशेषकर जो हमारे भूमि है उनमें अपनी गौशाला का वेस्टेज, गाय का गोबर और गाय की जो भी वेस्टेज चीज़ें उनको वहाँ डालते हैं। न तो हम अपने यहाँ कीटनाशक का उपयोग करते हैं, न खरपतवार का, न फर्टिलाइजर का। ऑर्गेनिक बेस पे हमने बनाया, टोटल ऑर्गेनिक बेस पे ही काम करते हैं। मिक्स मिलेट का लड्डू ये मैंने तैयार किया है, जिसमें मोरंगा का गोंद और रागी, कोदो, बाजरा, जौ, कुदकू, इसमें मिला के कुपोषित वाले बच्चों को मैं अपने जनपद में 1200 बच्चों पे मैंने इसका प्रारंभ किया था। वर्तमान में 1395 बच्चों पर मैं इसका रिसर्च कर रहे हैं। मेरे को मिलट्स दे प्रोडक्ट्स ने, जिमें अलसी की पिंडी होगी, रागी की पिंडी होगी, बाजरा ते कोदरा, इन्हां ते असीं काम कर रहे हैं। अचार होंदे ने साडे, मिलट बेस्ड साडे को बिस्कुट होंदे आ, मतलब डिफरेंट टेस्ट आंदा इन्हां दा। इन्हों वधिया तरीके नाल तैयार किया जाता, जिन्हें मेरे प्रोडक्ट्स ने सारे देसी घी तो शक्कर नाल बने हुए हैं। ठीक है, तो तुम कहो तो मैं दिखा भी सकता। हाँ जी, ये अपने रागी के ने। ठीक है जी, ये हमारे रागी के बिस्किट, मतलब पिन्नी है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास और पड़े हैं, जो कोदरे के हैं, जो जवार के हैं, और जो अलसी के हैं। अलसी का हमारा स्पेशल होता है थोड़ा, इसका टेस्ट भी डिफरेंट रहता है, देखने में भी अच्छे हैं। जो ये वॉलनट ऑयल है, अखरोट का तेल, तो ये हम खुद बनाते हैं, तो इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। ये तो आप जानते हैं, इसके ये जो हमारे ये वॉलनट है, ये वॉलनट तोड़ के इसके जो हम ये करते हैं, ये वॉलनट, तो इसको हम वो करके तो ये तेल बनाते हैं। हेज़लनट है, हेज़लनट के बाद हमारे पास ये जो है पाइन नट है, पाइन नट ऐसे दिखा दीजिए सर, जीरा। अच्छा, इस तरह से। तो ये जो ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी है जी, फॉरेस्ट की। मेरा नाम अविनाश अवस्थी है और मैं एलवर्ड ऑर्गेनिक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी नोएडा बेस्ड है और हम लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट में डील करते हैं। हमारी कंपनी फार्मिंग प्रोजेक्ट रन करती है ऑर्गेनिक के, 6 डिफरेंट सिटीज़ में, 7500 एकड़ से ज़्यादा खेती हमसे जुड़ी हुई है, 1200 से ज़्यादा फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनको एग्री इनपुट देते हैं, पूरी सहायता देते हैं और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराते हैं। उनका जो एग्री प्रोड्यूस है वो हम खरीदते हैं। हमारी 2 फैक्ट्री हैं नोएडा में, वहाँ पर हम इनको प्रोसेस करते हैं। और देन सर, आपके प्रोडक्ट किस तरीके हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं आप? सर, हम कंप्लीट ग्रॉसरी रेंज है, हमारे पास राइस है, कंप्लीट रेंज के पल्सेस हैं, आटा है, मिलेट्स हैं, स्पाइसेस हैं, और भी ऑयल्स हैं, जैगरी उसके रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है। अभी हमने बहुत रिसेंटली एक खीर मिक्स लॉन्च किया है, जिसको केवल दूध में डालना है आपको और उबाल लेना है, और ये मिलेट खीर है बेसिकली, सावा के चावल की खीर। इसी तरीके से हमारे कुछ और उत्पाद हैं, जैसे कि येलो टी है, जो कि वाइटमिन B12 से इसमें भरपूर मात्रा में है, और जिसको भी वाइटमिन B12 की कमी है या वो मैक्सिमम नॉन वेज पर डिपेंड करता है, बट वेजिटेरियन के लिए हम ये लेकर के आए हुए हैं। और भी इस तरीके के काफ़ी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे घी है हमारा, घी हमारा, अगर मैं आपको देखा, हमारे पास
एक फार्म हाउस है जहाँ पर हमारे पास 60 गिरगाएँ हैं अपनी खुद की, और हम महीने में 400 से 500 लीटर घी बनाते हैं, और वो बिल्कुल शुद्ध घी, इसमें हम कोई मिलावट नहीं है, और हम केवल उतना ही पैसे में बेचते हैं जिससे हमारा गौ का संरक्षण हो सके। हम लोग बीकीपर हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर भी हैं, हम लोग खुद की बी कीपिंग करते हैं, और हम लोग हनी अपना प्रोड्यूस करके जो भी हमारी बीराखेड़ी सहारनपुर फैक्ट्री है हम लोग वहाँ पे इसको साफ करके इसको पैक भी करते हैं। ये सरसों का होता है, इसको क्रीम हनी बोलते हैं। ये है टोटल यूरोप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के लोग इसके बहुत ही पसंद करते हैं। दूसरा मेरे पास में ये यूकलिप्टस है, ये सफ़ेदे का फूल का होता है, ये कोल्ड के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए, और जो भी दिल्ली इंसान में डस्ट की प्रॉब्लम होती है ये गले में ख़त्म करता है, इसको ये फेफड़े पर नहीं आने देता। जैसे कश्मीरी अकेसिया है, मसा मस्टर्ड है, लीची है, आपका सुंदर फॉरेस्ट है, मतलब आपके सिंगल सिंगल फ्लावर्स के हैं ये। सर ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ शहद ही है या? नहीं, इसमें आपका शहद है, प्लस नया लॉन्च हमने किया टीका लॉन्च किया है, इसमें आपको ग्रीन टी है और ब्लैक टी है, दो तरह प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया इसके अंदर। हम मध्य प्रदेश के श्योपुर जंगलों में अपने 35,000 गोवंश के साथ में रहते हैं, जो कि सिर्फ जंगल में ही चरती हैं, और जंगल में चरने की वजह से जो भी मौसम के चेंजेस होते हैं वहाँ पे, जो भी जंगल में बदलाव आते हैं, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो सब वहाँ पर जंगल में होती हैं। और गाय का वो एक अपने आप ही एक नेचुरल अलाइनमेंट है, और अपने झुंड में रहने की वजह से गाय हमारी प्रसन्नचित रहती हैं, 13-14 किलोमीटर के दायरे में वो घूमती हैं, तो जिससे उसकी बॉडी का एक अपने एक इम्यून सिस्टम जो डेवलप होता है, और नेचुरल खाने की वजह से जो उसकी खुद की सेंस यूज़ करने की वजह से जो गिर गाय हैं हमारी, जैसे ब्रीड हमारी गिर गाय है, तो गिर गाय अपनी बेस्ट सेंस से जो फूड खाती है, जो भी घास खाती है, उससे जो दूध होता है, फिर हम उसको मक्खन निकाल के बिलोना करके वो घी तैयार करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने फिर साथ के साथ उस घी को आयुर्वेदिक तरीके से सप्लीमेंट भी बनाए हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ डाल के हमने मस्तिष्क के लिए मस्तिष्क अमृत बनाया है, महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हमने महिला अमृत बनाया है, बालों के लिए केश अमृत बनाया है, आँखों के लिए नेत्र अमृत बनाया है, ऐसे ही 6 तरीके के हमारे जो घी हैं वो आपको हम जड़ी आयुर्वेद और अपने घी की मदद से आपकी सेवा कर रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये ज्वार का शरबत है, तो ज्वार जो है वो शरीर के लिए अच्छी रहती है, पेट को ठंडा रखती है, और बहुतायत में ज्वार आजकल खाई नहीं जाती है, तो ज्वार ने जो अपनी अस्मिता खो दी है लोगों के बीच में खान पान के रूप में, उसको हम वापस लेकर आए हैं। ये है ज्वार का शरबत जो हमने बनाया है, ये विश्व का पहला ज्वार का शरबत है। इसी तरह से हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं जनरल वी के सिंह जी, और हमारे जयपुर के सांसद हैं रामचरण जी, उन्होंने एक एग्जीबिशन में मुझे कहा था कि आप राजस्थान के हैं तो आपको बाजरी का शरबत बनाना चाहिए, तो हमने बाजरी में आंवला और एलोवेरा डाल करके, आप समझ सकते हैं कि आंवला और एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, और बाजरी बहुत अच्छी होती है, तो बाजरी को हमने एलोवेरा और आंवले में डाल करके और मिश्री डाल करके शरबत बनाया, वो बहुत ही अच्छा है। और आपको भी मैंने ज्वार का शरबत पिलाया है, मैं बाजरी का शरबत भी आपको दिखाता हूँ। ये है बाजरी का बना हुआ शरबत जिसमें बाजरी है, एलोवेरा है, और इसके अंदर आंवला है, और ये हम एक साल हो गया हमें करते हुए, और इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जीबिशन्स में हिस्सा लिया, और कृषि मंत्रालय ने हमें हर एग्जीबिशन में उपहार स्वरूप स्टॉल दिया है जिससे हमको लागत नहीं लगानी पड़ी, और इसको हमने लोगों तक पहुँचाया, और पिछले 4-5 महीनों में हमने कोशिश की है कि विभिन्न मंत्रियों तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक सत्ता में बैठे हुए या पॉलिसी बनाने वाले लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक जनमानस तक नहीं पहुंच सकती। तो ये प्रधानमंत्री महोदय का और सरकार का जो सपना है कि मिलेट हर व्यक्ति को खिलाना चाहिए, उसका एक एक्सटेंडेड रूप है कि आप मिठाई और शरबत भी मिलेट के ही पिएं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारे देश की जो सांस्कृतिक है, भारत की जो परंपरा है, और ग्रामीण विकास की जो स्थिति है उसको प्रदर्शित किया गया, उसको दर्शाया गया, जहाँ पर बड़े ही तादाद में एग्जीबिटर्स स्टॉल लगा करके मौजूद हैं और जो कि अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं, एग्जीबिट कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप भी इस उत्सव का आनंद उठाना चाहते हैं, यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, तो ये आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये आज से शुरू हो चुका है और 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो 10% के डिस्काउंट पर यहाँ पर सभी चीज़ें मौजूद हैं, GST लगाकर भी आपको काफ़ी कम कीमत में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साड़ियाँ,
ऑर्गेनिक चीज़ें, मिलेट्स की चीज़ें, क्योंकि जो 2023 था वो मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था, श्री अन्न मिलेट्स यहाँ पर ये घोषित किया गया था भारत को, तो इसलिए मिलेट्स को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी तरह की चीज़ें मौजूद हैं। मिलेट्स की बिस्किट हैं, चिप्स हैं और जूस हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी यहाँ पर जो पहनने के वस्त्र होते हैं, जैसे कि भारत का भरतनाट्यम जैसे है, केरला का भरतनाट्यम है, साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, वहीं कश्मीर के पश्मीना और जो पहरन होता है वहाँ पर भी इसका जो विजिट है वो किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर विजिट करके इन चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं और इन्हें आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।